जब भुजा ने इतना लिख दिया और भुजा कुछ रुकी है तो वो नांगसुता सिलोचना कहने लगी, ओ मेरी प्यारी भुजा, मेरी सहेली पूरी बता कि जब मेरे प्राणेश्वर ने सेना को तस नस कर डाला बाद में क्या हुआ। तो लिखने लागी भुजा के सुन ले, अरे सहेली प्यारी, लिखने लागी भुजा के सुन ले, अरे सहेली प्यारी। और उससे सावतार लक्ष्मण को तो तब गुस्सा आई गई भारी, और खींच कान तक लक्ष्मण ने मेरे कछ के सेती मारी। ओ सीना फोड़ गई रानी, अरे सीना फोड़ गई रानी, और जहर बढ़ो तन भारी, और दूधो तीर दो लक्ष्मण ने हर गर्दन मेरी उतारी। और बही भुजा आ गई है आज आंगन में तेरे प्यारी, अरे लिख दाई जब ऐसी कहानी रे हाय कहानी, अरे धनक गई आसी अरे डकैरानी। एकदम से जब ये कहानी लेकर के भुजा रुक गई और यह भी कह दिया कि हमारा सर रघुबर के पास पहुंच चुका है और भुजा यहां आ गई, तो दोस्तों पढ़ लो सारो हाल, करो मन ख्याल है करा लियो, विधना ने लूट सुहागरे राढ़ा पोमो को दियो। अरे राढ़ा पो दियो प्रभु ने दियो, राम मोह दियो कन्हैया दियो, धना ने लूट सुहाग रे रणा पो मोकु दियो। अब रह क्या गया दुनिया में, ओ नहीं नहीं मिटे हरद के दाग, फूट गए भाग इस का कियो, प्रभु ने का कियो राम का कियो, कैसे जा उम्र तो कटे रे फाटो जाए नारद हीयो। आई हो सब बिगड़िया तेरे रानी के था परो पेट में जाई, ओ को दुख भर ने पाछा मुए को मेरी रजी में लपेटा खाई, ओ घूसा मार रही है छाती में और गैया सी रही नकराई। कहने लगी ऐसो सोई औ दाबादार, खबर ना तो तने की, ऐसो सोई औ दाबादार, रोज पिया मेरे ऐसे सोबे सोबत में बतलाए, रोज नाथ मेरे ऐसे सोबे सोबत में बतलाए, आज कन्हैया ऐसे सोए मुख उसे बोलत नाए, बिलख रही बाई खन की, तो सोयो दाबादार, खबर नाए जाए तन की, तो सोयो दाबादार। बड़े आ दो
दोस्तों सुलोचना हिलकी भर के रोने लगी और कहने लगी कि अब क्या होगा। अरे कर ख्याल फाती जाए पंचो छाती, अब क्या होगा, अब तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। अरे कर ख्याल फाती जाए पंचो छाती, और धनक गैया सिर डक राती, और विधना तेरे पेश नहीं जाती नहीं जाती जाती जाती। अरे सैया और ने नन से बहे अरे औलाती, आ दोस्तों अपने पिया मेघनाथ की याद करके देह लकियां भर भर के रोने लगी और कहने लगी अब क्या होगा। अरे जग जीवन नाए बिलक रही सुलोचना, अरे जग जीवन नाए जब जूझ गओ भर तारे, अरे जग जीवन अब ना मेरो किसके सहारे जी लूं अब, नारद अरे उम्र हमारी बाली है और गोद भी मेरी खाली है, अरे बेटा भी नहीं है, जीवन कैसे कटेगा। अरे मेरा ससुर रावण तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी, हिलगी भर के छाती रे पीते धरती गिरी है मरोरा मारी, घूसा मारती है जब तो छाती में और तब फपक पड़े ते आधार, अरे अब बात गजब होने की नथुनी तोड़ दई सोने की, अरे जो बनी हती कोने की, लोगों सारो सिंगार बिगाड़ रही है धीरे धीरे, और धरती ते खोपड़ी मार रही है धीरे धीरे, बिलक के हाथ की चूड़िया तोड़ी चूड़ी तोड़ी चूड़ी तोड़ी, मंगल सूत्र की गर्दन सी मरोड़ी, और कंगना फेंक गाय दो है धीरे धीरे, जय राम ने राण बनाई दो है धीरे धीरे, बड़े दोस्तों सारा श्रृंगार उसने उतार के फेंक दिया।
छाती में घूंसा मार मार के रो रही है, तब तक उसकी प्यारी सहेली आ गई और सुलोचना की कलाई पकड़ के बोली, बहन का पागल हो गई हो, जब संसार में जो आया है, जो जीव जगत में आता है, सहेली बोली, जो जीव जगत में आता है, एक दिन तो सबको मरना है, एक दिन तो सबको मरना है, जब मरना है तो डरना का रानी, सहेली कह रही, जब मरना है तो डरना का यादार रंग क्या करना है, यादार रंग क्या करना है, पागल हो गई हो, जब संसार में जो आया वो गया, स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पर आए, और दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पर आए, सहेली उसी घाट पर, अरे स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, हाय वो तो उसी घाट पर आए, पागल हो गई हो तुम, ऐसे रोना उचित नहीं है, जब संसार में जो पैदा हुआ वो मरा है। और सहेली बोली, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, कहने लगी, अरे बहन इस जगह पर किसी का जोर नहीं चलता, तुम जा अपने पति की भुजा को चूम रही, छाती से लगा करके बिलख रही हो, ये रोना तुम्हारी जैसी देवी को शोभा नहीं देता, मृत्यु का शोक मूर्खों को होता, ज्ञानियों को नहीं, सुने सकी के मैन खोल दो ने न होश कछुलाई, फिर लख बालम की भुजा गिरी कस खाई, अपनी सहेली से कहने लगी, ओ बहना अरे देव करो भयभीत इंद्र लोह जीत, न देर लगाई न देर लगाई, ओरी बहन हाय उस बालम की मौत समर में आई, दुख तो यही है, हाय उस बालम की मौत समर में आई, अरे सुरपत भर रहे जल झारी, और नित दे रहो पवन बुहारी, अरे चंदा सूरज की रे उजियारी, अरे उजियारी के राम उजियारी, अरे पीछे बेमात बिचारी, बेड़े
मेरे पति के पौरुष बेमाता पीछना करती थी, पवन बुहारी देता था, लेकिन आज देख लीजिए कि ये सोने की काया मिट्टी में मिल गई। और कहने लगी, बहन और कोई दुख नहीं, अपनी सहेली से बोलिए सुलोचना, अरे कैसे कर ले समर बंद सब देवन की छूटी। और बहना कैसे कर ले सबर बंद सब देवन की छूटी, और बिन बालम के आज ससुर की गढ़ लंका लूटी। अरे समर में जूझ गए सैया, और फूट गई तकदीर हमारी कौन गए भैया। बहन मैं कहीं की नहीं रही, मेरी आली में कहीं की नहीं रही, अरे भान सस मुक्ति अरे भय। चंद्रमा सूरज तारागढ़ आधीन थी, अरे भानु सस मुक्ति भय सारे, यम कुबेर दिग बाल नांग नर सुर के नर सारे। ओरी बहना, अरे रिहाई पवन देव पाई, और रिद्धि सिद्धि रम गए सहज में भाई हर गुराई। बहना अब जब लंका में क्या रखा है, अरे ब्राह्मण भट जब रण में मारे, गंगा जमुना के तो तुरंत अब उज्जवल कर डारे। देव सब खुशी मनाई रहे, ओ रामा दल दरमान राम गुड़ पोंछ लगाई रहे। देव सब खुशी मनाई रहे, बहन हमारे पति के बल पे सारे देवता गुलाम थे लंका में, लेकिन अब कंचन के बन रहे भमन दूर से चमके। बहना कंचन के बन रहे भमन दूर से चमके, लग रहे मरने के ढेर भान समदम के। बहना महाराज धरे सामान बोतुनी के, बिन बालम कैसे लोचना बोए सब लग रहे फीके। नक धरती आई तू फट जाइए, नक पृथ्वी जल्दी फट जाइए, मैं तो तोई में जाए समाई समाई। नक धरती हाय तू फट जाइए, ये धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। सहेली तसल्ली देने लगी है कि अब बहना परेशान न हो, तुम्हें तो पति से स्वर्ग में मिल लाई है, हैं? इसलिए पति से मिलने से पहले कुछ दान कर लो। तो लोगों उसी समय सुलोचना ने वो भोजा रख दी, और सुवरन सिंह मराय दूध की गाय दान कर डारी। सब रहे तमाशो देख रे के नगर के हाय नर नारी। दान कर रही है, रो रो के कह रही है, मेरे प्राणेश्वर को स्वर्ग में शांति दे दो जब तक मैं न पहुंच पाऊं।
रत्न जटिल बहुमाल बुलाए कंगाल दए आचारी लयते आचारी ओ सब धनु दाओ लुटाई भवन को भारी अरे पाला की तो सुगर मांगाई आज लोचना ने एक पलकी मंगाई है और वो अच्छी तरह से सजाई और सजाना की जान बहिया यारे उठाई ले हाय उठाई और गे भुजा चलिए बिले खाई लोगों जिस समय ये चली है उस समय की हालत तुम्हें कैसे बताऊं। सुलोचना जब गाय की तरह डकराती है उस समय और शेष नांग दहलाए गए पृथ्वी ने हिम्मत हारी है ओ हम जा तरसातल को जा दुख हो तो अति भारी है कमठा कुलाए गए हिलकी भर कोई न बोले गैया खूटन पे डाफ परी पक्षी रह गए ते चोंच खोले गैया खूटन पे डाफ गई पक्षी रह गए ते चोंच खोले बछड़ा बाबा कर बिलख गए पक्षी रह गए ते चोंच खोले लोगों क्या हालत है लखीरो बे कोई लंबे ना है का चली छोड़ के बेना है लखी जिस समय पाल की चली है कोयल और मैना बिलख कह रही सिलोचना से ओ सहेली का डारी मुझे छोड़ के तो बिन अब प्राण बचे ना है सुख सारस एक रहे ना है तो बड़े आज पक्षियों की ये दशा थी लोगों सिलोचना से कह रहे कहां जा रही हो इन महलों को छोड़कर सिलोचना ने पलकी को रोक करके जो पक्षी आकर के पलकी पर बैठ करके कोयल मैना तोता ये कह रहे थे कहां जा रही हो तो आज क्या जवाब दे रही है सिलोचना उन पक्षियों से दिला बेवा पर बास करो तुम बाग बगीचा में डोलो मैं पति के संग सती होंगी दुखिया के दुख में मत बोलो मैं पति के संग सती होंगी दुखिया के दुख में मत बोलो मैना और पक्षियों से बोली उड़ जा मेरी पलकी के ऊपर से तज ने मो सब दुनिया से पर लोक बास में पाऊंगी पति के संग में पति दीवानी जल करके प्राण कमाऊंगी ओ राजा ओ
भैया बब विधवानी ऐसे के नारे से लोट नानी पल की आगे बड़बाई है। श्रोताओ जहां रावण को दरबार लगो रोती वहां पर वो आई है। जहां रावण को जहां दशकंदर का दरबार लगा है आज वो कहार पालकी को लेकर के पहुंचे तो दरबान चौंक पड़े, सन्नाटा छा गया कि इतनी लंबी भीड़ पालकी के आगे, ये चक्कर क्या है। लेकिन दोस्तों आवाज उठे भैखाय रे कोप करके भारो रावण के दरबार के दरबानियों ने देखा महाराज लौट रावण के आए पत्थर दर कपे शरीर तोड़ कर ऐसे समझाए। दरबार में आए हैं पहरेदार कांप रहे हैं। रावण बोला ये क्या बात है तुम लोग कांप क्यों रहे हो। दरबान बोले महाराज बोले राजा जी रानी सिलोचना जी आई है पलकी में जमे कार। बोले राजा जी आज्ञा हो तो बातों ले आवे वो तो तुम से मिलन को रही है। आपकी पुत्र वधू शैलोचना आपके दरबार में आ रही। रावण बोला ठीक है अगर हमारे पुत्र मेघनाथ की पत्नी आई है वो बेटी के समान है भेज दो। दोस्तों एकदम से वो लेकर के दरबज्जे पर आए और दरबज्जे जब दरबार में पहुंची है शैलोचना हाय हाय अरे भारी करे बिलाप देख ले आप नांग की जाई। दरबार में पछाड़ खा के सिलोचना गिर पड़ी और पलकी में हुई असबार रे द्वार पे पंचो आई। रोते हुए सिलोचना को देखकर रावण कहने लगा बहू मेरे जीते जी तुम रो रही हो। एकदम से सिलोचना बोली अरे निक सुन ले ओ ससुर हमारी सैया जूझिए रण खेतन में विधवा हुई है जब बहु तुम्हारी कोनो दिशा को बताइयो हमको। अब नहीं मिले कंद हमारे मेरे महाराज राधे श्याम सीताराम रे जाधव से सिलोचना रोई। उठ गए तुम्हारे जीते जी हमारी ये गत हो गई ससुर साहब अब क्या करूं मैं बिना पति के कहां जाऊं
हेलकी भर गई रोई, ससुर जी तुमने जुबादर फारो रे। अब कहां जाऊं, और लला दो मरवाई के कहे मूड जमी ते जान मारो रे। सती हो जाए ससुर जी शीत गुदियो मंगाई रे। आज घुटनों के बल दरबार में थी, एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी है, ससुर साहब तुमने बहुत बड़ी भूल करी, जान की प्यासी है, जान की प्यासी है, जो तुम तो बाहर लाए हो और लंका को करियो नाश, ससुर जी गर्भ में तुम गर्वाए हो। हाथ उठा के कहने लगी, ससुर साहब अरे है कोई जो दादार लंका में रामांडल को देव बधाई, अरे हुई है सती सिलोचना स्वामी देव बमर पिया को शीस मंगाई। रानी ने कह दई दिल की बात सभा में धीरे धीरे, हाँ कोई है जो मेरे पति का शीश मंगा दे दोस्तों। रावड़ कहने लगा, बहु से लोचना अब हम समझ गए। रामा दल का काल आ गया, हमारा कोई बहादुर बलराम से भीख मांगने नहीं जाएगा। सुन, अरे पुत्र बधु तज दहल बैठ निर्महल मौद कर नारी, जग में को मौसम पीर बिकट बलधारी। हमारे समान जो दुनिया में कोई बहादुर पैदा ही नहीं हुआ। बहू, जब हम चलते हैं तो शेषनाग के फन पर पृथ्वी डाल जाती है। अरे मैं जंग करन को जाऊं रे, मैं जंग करन को जाऊं और दुष्टन को मजा चखाऊं। सब कोई दिखाऊं और सिरकात सबने को लाऊं। तू चिंता न कर, महलों में जा। दोस्तों से लोचना समझ गई और कहने लगी, ससुर साहब जिन धरती धारण करी सुमेर उखारे, वो भालु भटन के संग सुबत गए मारे। महाराज
सूरजी जो मुनके मारी लात। सुलोचना कहने लगी, मेरे पति की लात मारी, मेरे पति यज्ञ कर रहे थे, ये जख्म मेरे कलेजे में भबक रहा है। सुन के इतनी बात जरियो गात अरुण भाई नैना। सुलोचना गुस्से में कहने लगी, रावण से कहने लगी दुल्हनिया बेना, अरे लंका गांव जलाए पवन सुताए के मारियो सेना ससुर मेरे सेना, अंगद को टरो न पाऊं हाथों कोई छेना। लंबे गाल बजा रहे हो ससुर जी, अंगद का पैर नहीं तुम्हारे किसी योद्धा ने हिला पाया। अरे खर दूसर मार पछारो, अरे फिर कुंभकर्ण हनिदारो, अरे मेरे सैया को हाय मारो और मिटियो अभिमान तुम्हारो। लंबी लंबी बातें कर रहे हो महाराज, तुम्हारा अभिमान बिल्कुल नष्ट हो गया। दोस्तों, जब भुजा तुम्हारे पुत्र की है, इसने मुझे सारी कहानी बताई है। हे ससुर साहब, एक बात और बता दूंगा आपको कि तुमने जो बैर खैर के लिए नहीं बचाया, मारे मरे जियाए जीजे ताचे ससुर बैर मत कीजे। अरे अबे पेटा ही खबो है, पुत्रा ही खबो है, सारी लंका तहस नहस हो जाएगी ससुर साहब। इसलिए मेरी बेने तो तुम ध्यान में धर लो। और सुलोचना कहने लगी, मेरे बालम का शीस मंगा दो। लोगों, रावण कहने लगा, बहू उस राम जैसे नालायक के सामने तेरा ससुर छोली पसारेगा, ये मौत मौत कायरों को भय खाती है, मौत तो मेरे डर से थर्राती है। कहने लगी, ठीक है ससुर साहब, मैं जा रही हूं। ऐसे कह के चली नांग की लली, सास उड़ गया। जन मंदोदर बैठी आज रे आंगन में पंच पाई। आंगन में मंदोदर बैठी है। लोगों, सुलोचना का सब सिंगार बिगड़ चुका है। एकदम डोला में से निकल के सुलोचना मंदोदरी के पैरों पर गिर पड़ी। अब करूं कौन की आस, बता दे सास बलम बलदाई पिया बलदाई। मैया, अब करूं कौन की आस, बता दे सासु पिया बलदाई। रण खेतन में लक्ष्मण ने लैब खाई, एकदम से मंदोदरी ने सुलोचना को सीना से लगा लिया। और दोस्तों, अपनी सास के सीना में मुंह छुपा करके सुलोचना फपक फपक रोने लगी। ले हुए भोजा तुम्हारे पुत्र की है। अरे सिर गाओ राम चरण में, बहिया गिरी आई आंगन में।
धड़ धड़ बिलखिरा अरे खेतन में योरी मैया और अबल्हा सब लखले रण में मैया बिलख बिलख के रोने लगी तो मत्तु दरी बहुत व्याकुल हो गई। कहने लगी बहुत तसल्ली धरो तो जवाब दे रही है मैया, हाय फूटे भागो हमारे प्राण प्यारे सुरग को सिधारे, हाय फूटे मैया हाय फूटे भाग हमारे सैया सुरग को सिधारे, ओ मैया कौन पे पत्र भीषण पड़ा है कौन को प्यारो सैया मरा है मैया सिधारे ओ मैया रात भर का में मां के रोके रुकाए सवेरा मैया हाय मंगाई दे अपनी बहुअर को सती कराए दे ओ मैया सफेद साड़ी में आ गई है तुम्हारी बहू, रामा दल से शीश मंगा दो और अपनी बहू को सती करा के पुत्र के पास पहुंचा दो। दोस्तों मंदोदरी की छाती फट गई, ऐसी कौन मां होगी कि पुत्र शोक से विवल थी और जब बहू ने कहा तो और व्याकुल हो गई कि अब तो बहू भी हाथ से चली। Oh
आखिन से बरसे नीर धरे नहीं धीर धवल की मैया नहीं मेघनाथ सो मिले रे के हाय हाय लड़वैया अरे वीर सो छैया लाला सो छैया मंदोदर रोने लगी नहीं मेघनाथ सो मिले रे हाय अब कोई छैया ओ जिनती तो सुरनाद मर गया आज बिकट लड़बैया बिकट लड़बैया बिकट लड़बैया कर कर बछरा की याद रे बिलख रही घर में गैया और भैया और असुआन से रे चादर भैया धोई और लिख दैया रे करम में सोई होई अरे होई नारद होई और जय मित भाई यार नए है कोई मेरे मंदोदरी कहने लगी बहू देव ऋषि नारद ने पहले भविष्यवाणी की थी कि जब सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी और मेरे पति की खोपड़ी पे पत्थर पड़े हैं जो जान की प्यासी बन गई जवाब दिया मैया मेरे पति का शीश मंगवा दो रामादल जी अब बिना पति के मुझे एक एक पल बरसों की समान लग रही क्षति हो जाऊंगी लोगों एकदम से मंदोदर बोली बेटी अब मैं तुझे एक बात बता दूं क्या अरे सत्य कहूं मैं आज हो सब काद लाद अब त्यारी बेहर दीन दयाल रे के बहु अरे अपरंपारी वो मर्यादा मन निभाने में पुरुषों में उत्तम राम अपरंपारी है बहु सिलोचना अर्तर के सारो छोक साध पर लोक सती है जारी मंदोदर कह रही है अर्तर के सारो शोक साध पर लोक सदी है जारी जा राम चंद्र के पास शीश ले आरी चली जाओ अपने दिल की दुविधा को निकाल दे पुत्र बधु तेरी आशा पूरी होगी राम जी तुझे शीश दे देंगे तेरे पति का अरे कर दरस के बहु अरे रघु बर के कह रही है मंदोदरी अरे अभिनाशी आजर अमर के मेरे और कहने लगी है मंदोदरी पुत्र बधु कुछ काम डरने का नहीं सब लोक लाज बिसार के पति धर्म का पालन करे तू पास जा कर तार के मंदोदरी कहने लगी
नई शीस को नाई करे। स्वामी है सब संसार के, लैसी सपिर होना सती तू संग निज भरतार के। डरो नहीं, तेरा निश्चय भला हो जाएगा। बहु तुम डरो नहीं, फिर डरने की बात एक इसलिए नहीं है। क्या मैं ये भी तुझे बता दूं, तेरे छोटे ससुर विभीषण वही है। अरे सुन मंदोदर के बेन सिलोचन ने नीर भर लाई, सासुल की आज्ञा पाई चली सिर नाई। और बल की दई बड़ाई शोक बिसराई, नांग की जाई नांग की जाई नांग की जाई। गई रामा दल में आए सुमेर रघुराई, गई रामा दल में आए सुमेर रघुराई। आज दोस्तों रामा दल में आ गई तो हुआ क्या? अरे बढ़ के चली अंगारन शंका दिल में खाई है। ओफो, बढ़ के चली अंगारन शंका दिल में खाई है। ओ लक्ष्मण पहरेदार कटक में सोर गुराई है। ओ डोला पहुंचो रामा दल में बंदर गए सना को खाई। ओ मन में जानी अजु अंगन में सीता रावण रहो पठाई। ओ झगड़ा मिटियो सब लड़बे को डोला ओ जानकी माई। ओ तुरंत जगाए दो तुरे रघुवर को उठ के बैठ गए ते मुठ के आई। बंदरों ने समझी के सीता जी को रावण भेज रहा है, डर गया, जाकर के राम को जगाया। तो दोस्तों राम जी उठ करके बैठ गए और कहने लगे, बात क्या? जवाब दिया, महाराज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आ गई सीता। लेकिन विभीषण पहचान के कहने लगा, नहीं महाराज, ये सतवंती सच्ची सती नांग की जाई। नहीं मिटे कर्म की लिखी, समझ में आई महाराज पधारी प्रभु दर्शन के काज। और बहुत दुर्दशा भई भई, आज इसकी हालत को देखिए और अबला की लाज रखिए। आप मर्यादा निभाने पुरुषोत्तम है, विभीषण बोला। और क्या बोला? जब राम ने ऐसा विभीषण के मुंह से सुना तो सुन के ऐसे वचन भय मन मंगन भक्त हितकारी। उन दया दृष्ट से लखी सिलोचना नारी। और देख राम की ओर जो कर जोरी, कहे बत प्यारी कहे बत प्यारी। मो दुखिया के दुख हरो शरण ले लई प्यारी। महाराज मैं शीश मांगने को आई हूं, मेरे पति का शीश आप हमें दे दीजिए। मांगू गोद पसार भीख देव डारे आस कर आई। मो समझ भिकारिन ले उरे के हमें अदु अपनाई। भिकारिन आई है मेरे प्रभु, जब भिकारिन की झोली में भीख डाल दो। ओ कृपा करो जगदीश पति को शीश देव मंगवाई, देव मंगवाई, देव मंगवाई। मैं
संग सती है जाए गति ले पाई, हम संग सती हो जाए गति ले पाई। राम जी कहने लगे, नांग सुता ये तुम्हें कैसे पता है कि वो शीश मेरे पास? जवाब दिया, हे प्रभु, लक्ष्मण की काटी हुई बाह जो मेरे आंगन में गिरी उस भुजा ने लिख करके सारी बात बताई। दोस्तों, उस समय अंगद, हनुमान, सुग्रीव, नलील, दुबित, जामवंत सब भौचक्के रह गए, भुजा ने लिखा। राम कहने लगे, तो बिल्कुल मत घबराओ देवी, शीश लाओ। जामवंत ने शीश उठा करके दिया। शीश जिस समय सुलोचना ने लिया तो लक्ष्मण हंसने लगी। सुलोचना कहने लगी, लक्ष्मण तुम शेषा अवतार, रिश्ते में मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुमने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, तुमने अपने दामाद को मारा है और तुम हंस रहे हो। एकदम जवाब दिया, तुम्हारी क्या ताकत थी शेष अवतार लक्ष्मण, जो तुम मेरे पति को मार लेते, लेकिन तुम्हारे पास शक्तियां दो जुड़ी थी, मैं तो अकेली सुलोचना अपने सैया की प्यारी, और इधर तो सीता की शक्ति और उधर उर्मिला प्यारी। सीता उर्मिला दोनों की शक्ति, और मैं अकेली और वो तो थी, इसलिए जा हुई आई फारी। ओ क्या दम थी लक्ष्मण तुम में जो सकत पिया कुमारी। लक्ष्मण कहने लगे, अगर ऐसी क्षति और पतिव्रता है तो बहाने तो हाल लिखा, लेकिन तू अपने पति की खोपड़ी को हंसवा देना। लोगों, जब इतने शब्द कहे हैं तो उसी समय सुलोचना ने सर सामने किया और कहा, हे प्राणेश्वर, जब पतिव्रता की लाज रखो अरे सभी हंसी कर रहे, पिया अवन्ने का तो हंसी दिखाई दे, और जहां गए ता में आए रहने का धीरज मोई बनाई दे। उसी समय वो हंसी खो पड़ी, सब सन्नाटे में आए, और बंदर भालू यक्ष के नर के सबके प्राण सिहाए। अरे लाके शीश चल गई सुलोचना, गई समुद्र पे आई। ओए रावण ने अगर तगर सामग्री सभी मंगाई, हाथ से लोग ना सास के पैर छुए हैं, और मंदोदरी पछाड़ खाती रावण को सब कोस रहे हैं। आधार चिता में जल गई सुलोचना, जय जय की धुनी भई है, और नारद कायम सुशील हर पालन संगत खूब दई है। तिरमूरत कैसिट भर रही है, तिरमूरत कैसिट भर रही है, सब देव करें जयकार जयकार। तिरमूर्ति कैसिट भर गई है, सब देव करें जयकार जयकार। मेरी कथा आगे बढ़ रही है बेटे।